Good morning everyone and everybody. आज की क्लास बहुत ज्यादा लेट से शुरू हो रही है. उसके पीछे कारण ये है कि आज हम लोग के कंप्यूटर में टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा था. तो दो ही ऑप्शन था, या तो ऑन करके क्लास को स्टार्ट किया जाए या फिर आज की क्लास को कैंसिल कर दिया जाए. लेकिन हमारे टेक्निकल स्टाफ ने यही कहा कि थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं सर, काम हो जाएगा और स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं. अगर स्टार्ट हो जाएगा तो क्लास को ओपन करना बेटर है इसके बजाय कि हम क्लास को पोस्टपोन कर दें. कि थोड़ी सी लेट से शुरू हो, 15-20 मिनट लेट से शुरू हो वर्केबल है, लेकिन क्लास पोस्टपोन करना ठीक नहीं है, ऐसा हमारे स्टाफ ने हमें सजेस्ट किया था. तो हमने भी इस बात को माना, थोड़ा सा वेट किया, थोड़ा सा पेशेंस लिया और सारा तैयार हो गया. वेरी गुड, आप सबका इंतजार कर रहे हैं. चौधरी हिमांशु, सतीश कुमार, गुलशन कुमार, संगीर, संदीप, वेरी गुड संदीप, सतीश कुमार. नहीं, टाइम चेंज नहीं हुआ, यही मैं बता रहा सतीश, टाइम चेंज नहीं हुआ. आज कंप्यूटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था. तो जिसकी वजह से हमारे पास अब दो ही ऑप्शन बचता था, या तो आज की क्लास को कैंसिल कर दिया जाए या फिर थोड़ा सा इंतजार करके लेट से शुरू किया. तो आज लेट से शुरू हो रहा है, टाइम चेंज नहीं हुआ, टाइम 9:15 ही रहेगा. कल से फिर हम लोग 9:15 ही क्लास करेंगे. आज सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आधे घंटे क्लास लेट से शुरू हुई है. और अब ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए फटाफट हम लोग क्या करें, डिस्कशन पर आ जाए, डिस्कशन को स्टार्ट करें. Without losing a single second, we should start the discussion. Okay? और आज का जो पैराग्राफ है बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ये काफी चर्चा में रह रहा है और ये हमारे नेशनल इशू से रिलेटेड है. कहाँ से रिलेटेड है? नेशनल इशू से रिलेटेड है, इसलिए पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है. और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि आपके पास हमेशा पेन एंड नोटबुक होना चाहिए. है आपके पास पेन और नोटबुक? तो अपने पेन और नोटबुक के से तैयार रहिए और क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, पेन नोटबुक तैयार रखिए. हेमंत कुमार, शंभू कुमार, राम राम. इसलिए जीएस की क्लास नहीं हुई. हाँ, इसलिए जीएस की शिल्पी, वेरी गुड, इसलिए जीएस की क्लास नहीं हुई. विशाल पटेल, गुड मॉर्निंग. चौधरी मानसू, हेलो सर जी, हेलो हेलो हेलो. हाँ, इसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जीएस की क्लास आपकी सुबह में नहीं होगी. अब ये प्रॉब्लम ठीक हुआ तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हो जाता है, सॉफ्टवेयर में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है. ठंड का समय है, कभी ठंड में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी गर्मी में प्रॉब्लम हो जाती है. तो सॉफ्टवेयर जितना अच्छा है उतना कभी कभी प्रॉब्लम कभी कभी देता है, हमेशा प्रॉब्लम नहीं देता, कभी कभी देता है. कोई बात नहीं, चलते शुरू करते. एक्ट ऑफ फेथ, एक्ट ऑफ फेथ, फेथ का मतलब क्या होता है? विश्वास. यहाँ जो फैक्ट है, फेथ है, ये फेथ जो है नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है. और फेथ का मतलब होता है विश्वास, ट्रस्ट. और एक्ट मतलब विश्वास का काम, विश्वास का एक्ट. क्या है एक्ट ऑफ फेथ? कर्नाटका. और यहाँ एक्ट का जो डबल मीनिंग है, एक तो होता है एक्ट का मतलब काम, देखना यार डबल मीनिंग कैसे वो समझना, और एक्ट का मतलब होता है जो नियम कानून हम लोग लाते हैं वो. तो यहाँ जो फेथ का काम वाला फेथ है और या फिर नियम कानून वाला फेथ है, ये गौर करने की बात है. हमेशा जो एडिटोरियल के जो हेडलाइंस होते हैं उसमें काफी सोच समझ के लिखा जाता है. तो यहाँ दोनों को टारगेट कर रहा है. यहाँ एक्ट का मतलब काम भी है और एक्ट का मतलब यहाँ जो कानून नियम बनता है वो भी है. कैसे है वो पता चलेगा अभी. कर्नाटका शुड नॉट परस्यू, परस्यू का मतलब क्या? फॉलो. कर्नाटक को फॉलो नहीं करना चाहिए. रिग्रेसिव, रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड, पीछे जाने वाला. रिग्रेसिव का मतलब होता है पुलिंग बैकवर्ड, जो पीछे ले जाता है. लेजिस्लेशन, की कोई ऐसा नियम ले जाए जो रिग्रेसिव हो, पीछे ले जाना. लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? लॉ, नियम, कानून. कि कर्नाटका कोई ऐसा कानून ना बनाए जो कि पीछे ले जाए. इन द नेम ऑफ, देखो फिर यहाँ इनसे पहले भी आया था इन द नेम ऑफ. मैंने बता रखा कि एरर में आएगा इन द नेम ऑफ की जगह पे क्या लिख देता है? ऑन द नेम ऑफ. एरर में कई बार आ चुका है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कई बार आ चुका है. के नाम पर की इंग्लिश हमेशा इन द नेम ऑफ होता है, कभी भी ऑन द नेम ऑफ नहीं होता है. ऑन द हिंदी में कहते हैं के नाम पर, तो हमें इंग्लिश में लगता है ऑन द नेम ऑफ, और कई लोग बोलते भी हैं, तो ये गलत होता है. इन द नेम ऑफ बोलना चाहिए, के नाम पर. इन द नेम ऑफ कर्विंग, कर्व का मतलब क्या होता है? स्टॉप, रोकना. स्टॉप कर्व, कर्व का मतलब कर्विंग. कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ रिलीजन, चेंज ऑफ फेथ, फेथ या रिलीजन की बदलाव, धर्म का बदलाव. चेंज ऑफ फेथ, चेंज ऑफ रिलीजन, कन्वर्जन.
और आपको मैं बता दूं कि भारत में कन्वर्जन एक बहुत ही गंभीर समस्या है। भारत की गरीबी का फायदा उठाकर क्रिश्चियन मिशनरी ने काफी जो जनजाति इलाका है, सुदूर के इलाके हैं जहां पर पिछड़ापन है, वहां पर ये लोग इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से और बहुत प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया है। हालांकि इस पर आपके मीडिया कुछ लिखता नहीं है, इसकी वजह से आपको पता नहीं चलता, लेकिन अगर गौर से पढ़ेंगे और डेटा मांगा जाए इन मीडिया वालों से तो आपको हैरान कर देने वाली बात होगी कि जितने भी जंगली इलाका है या जितने भी आदिवासी के इलाके, उसमें आपको चर्च देखने को मिलेगा, ढेर सारे चर्च देखने को मिलेंगे। अब जाकर उड़ीसा में देख सकते हैं, झारखंड में देख सकते हैं, जहां जहां आदिवासी बहुल इलाका है, और उन मासूम लोगों को ये लोग बहुत बुरी तरीके से अपने धर्म में परिवर्तित, बुरी तरीके से, इसलिए कि ये लोग हमेशा, इनको बता दे तुम्हें तो 2000 साल से 3000 साल से सबने बैकवर्ड रखा है, देखो तुम पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तुम पिछड़े रह गए हो, ये तुम क्रिश्चियनिटी में आ जाओगे तो ऐसे हो जाएगा, इस तरह से लू प्रलोभन नौकरी देकर धर्म परिवर्तन किया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि धर्म परिवर्तन अगर आप धोखे से देते हैं या धर्म परिवर्तन आप किसी को लोभ और प्रलोभन से देते हैं तो ये गैर कानूनी है, इसके लिए कानून बनाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि कानून बनाना जरूरी है। तो इस तरह की कई चीजें हो रही है देश में। तो जो कन्वर्जन है, चेंज ऑफ फेथ है, ये सीरियस इशू है, खास करके ग्रामीण इलाकों में या पिछड़े इलाकों में, और खास करके क्रिश्चियन मिशनरी जो है ये काफी गलत तरीके से जो पिछड़े लोग हैं उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, और इनकी डाटा अगर पिछले 10 साल 12 साल की ढूंढी जाए तो बहुत बड़ी निकलेगी। जैसे भी आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा यूपी में एक इमाम जो पकड़े गए थे, तो ये बहुत सीक्रेटली और बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, लोभ देकर, गरीबी का फायदा उठाकर, जो सही नहीं है। नेक्स्ट, इट इज अनफॉर्चुनेट, हालांकि ये जो है पेपर जो है ये इसकी बात नहीं करेगा, लेकिन ये बात तो हमें करनी पड़ेगी। इट इज अनफॉर्चुनेट की दुर्भाग्य की बात है दैट कर्नाटका हैज ज्वाइंड द बैंड ऑफ स्टेट्स दैट वांट टू इनेक्ट रिग्रेसिव लॉज। अब देखो ये भी क्रिश्चियन मिशनरी पर नहीं कहेगा, ये सरकार को ही कोसेगा ये, इस पर थोड़ी सी क्रिश्चियनिटी को लेकर इस हिंदू पेपर की थोड़ी सी रहती है सॉफ्ट कॉर्नर। ये दुर्भाग्य, कर्नाटक ज्वाइंट द बैंड, बैंड का मतलब क्या, ग्रुप, कर्नाटका ने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया स्टेट्स को दैट वांट टू इनेक्ट, जो इनेक्ट करना चाहता है, जो लागू करना चाहता है रिग्रेसिव लॉज, पीछे ले जाने वाला लॉज। अब पीछे ले जाना लॉज क्या है भाई, अगर हम ये धर्म परिवर्तन को अगर हम गैर कानूनी बताते हैं या ऐसे नियम कानून बनाते हैं इसमें कि धर्म परिवर्तन लोग आसानी से ना करवा सके, तो ये रिग्रेसिव लॉज होगा क्या, ऐसा है क्या। लॉज एम्ड एट पुलिसिंग द प्राइवेट लाइफ्स एंड बिलीफ्स ऑफ सिटीजंस, ये कह रहा है कि ऐसे कानून बना रहा है जो निगरानी करेगा, यहाँ पुलिसिंग का मतलब निगरानी करना, जांच करना, पुलिसिंग द प्राइवेट, किसी का निजी जिंदगी और बिलीफ्स, निजी विश्वास। देखो बिलीफ्स में क्या लिखा है, एस, ये जो एस लिखा है ये नाउन है, और ऐसे अगर हम बिलीफ्स लिखते हैं तो ये बिलीफ्स जो होता है वो वर्ब होता है और ये वर्ब सिंगुलर होता है, ध्यान रखना कि बिलीफ्स वी एस लिखा है तो ये वर्ब है, ठीक है, और ये सिंगुलर है, और एफ एस लिखा है तो ये नाउन है और ये प्लूरल है, बिलीफ्स इसका मतलब विश्वास है, ये है विश्वास करना। बिलीफ्स ऑफ सिटीजन की, नागरिक के जो प्राइवेट निजी जीवन और विश्वास है उसकी वो निगरानी करेगा, पुलिसिंग करेगा, इन द नेम ऑफ प्रिवेंटिंग अनलॉफुल कन्वर्जेंस, किस नाम पर, कि अनलॉफुल गैर कानूनी जो धर्म परिवर्तन होते हैं उसके उसको रोकने के लिए। तो भाई नियम का, पुलिस का काम ही है निगरानी करना या सरकार का काम ही है निगरानी करना, कि किसी भी तरह से अगर आपके प्राइवेट लाइफ की वजह से किसी की सार्वजनिक लाइफ खतरे में आ जाएगी तो आपके प्राइवेट लाइफ को भी देखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। किस कोई अगर निजता के नाम पर, कि मेरी ये निजी लाइफ है, इसके नाम पर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे समाज को बहुत नुकसान पहुंचेगा, तो ये आपकी निजता नहीं हो सकती है, ये निजता नहीं हो सकता। और ऐसा देखा जा रहा है कि निजता के नाम पर जो है कई एंटी सोशल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं। तो प्राइवेसी का मतलब ये नहीं है आप प्राइवेसी अपने रूम में क्या करते हैं, कीजिए जो करना है आपको कीजिए, आपका प्राइवेट लाइफ प्राइवेट, लेकिन आप प्राइवेट लाइफ में अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके समाज का नुकसान हो तो ये तो अलाउड नहीं होगा, ये प्राइवेट लाइफ में अलाउड नहीं किया जाएगा। अब बात क्या हो रही है उस पर आते, आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द असेंबली, कि अभी एक कर्नाटक में एक नियम आ रहा है, एक एक्ट आ रहा है, इसको असेंबली से क्या किया गया है, अप्रूवल, स्वीकृति, ये क्या नाउन हो गया, इसका मतलब स्वीकृति, अप्रूवल का मतलब स्वीकृति मिल गया, इसको स्वीकार हो गया, एक्सेप्टेड द कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, कि भाई हम किसी का राइट टू फ्रीडम मतलब क्या, धर्म का अधिकार, ऑफ रिलीजन बिल 2021, कि कर्नाटका भी धर्म को बचाने का जो अधिकार है ये ला रहा है। चौधरी मानसू, हेलो सर, टाइम हो गया, ओके। हेमंत कुमार क्या कहना चाह रहे हैं, शंभू राम राम, चौधरी हिमांशु, विकास पाल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थोड़े आराम से देखना है, समझना है।
और अगर कोई बात हो, कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, कोई लाइन समझ में नहीं आ तो बताना है। हैज नॉट बीन टेबल्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कि आपको पता है कर्नाटक में दो चीजें हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जैसे यहाँ पे अपर हाउस लोअर हाउस होता है, तो लोअर हाउस से तो बिल पास हो गया, और अपर हाउस में जो है यानी उसका जो विधान परिषद है कर्नाटका का, उसमें ये टेबल्ड नहीं हुआ। टेबल का मतलब देखो, टेबल वर्ब होता है, टेबल को आपने सिर्फ नाउन समझा होगा, लेकिन इस सेंटेंस में टेबल क्या है, वर्ब, प्रस्तुत करना, टेबल या वर्ब को इस्तेमाल किया गया, टेबल की प्रस्तुत किया गया इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी यह बिल नहीं आया, प्रिज्यूमली इन एंटीसिपेशन ऑफ रूलिंग पार्टीज स्ट्रेंथ इन द अपर हाउस टर्निंग फेवरेबल लेटर। और ये जान प्रिज्यूमली मतलब पहले से मान लिया, पहले से मान कर कुछ समय अभी बीतने देते हैं। हो सकता है अपर हाउस में, क्योंकि अपर हाउस का टाइम 6 ईयर्स का होता है, तो अपर हाउस जरूरी नहीं कि लोअर हाउस में इसका मेजोरिटी हो, उसका अपर हाउस में भी हो, तो अपर हाउस में हो सकता है वहां जो कर्नाटका उसमें उसका मेजोरिटी नहीं है अभी जो सरकार, उसका मेजोरिटी है, तो इसलिए उसको जानबूझकर अपर हाउस में नहीं ला रहा है। कि प्रीजम्बली मतलब पहले से मान रखा है कि इन एंटिसिपेशन, इस उम्मीद से, एंटिसिपेशन का मतलब क्या, उम्मीद से, ऑफ द रूलिंग पार्टीज स्ट्रेंथ, जो रूलिंग पार्टी का जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, इन द अपर हाउस टर्निंग फेवरेबल लेटर। की बाद में जब उसमें कुछ मेंबर्स बढ़ जाएंगे अपर हाउस में रूलिंग पार्टी के, तब लाया जाएगा ताकि अपर हाउस में भी बिल को आसानी से पास करो। क्योंकि अगर लोअर अपर हाउस में या किसी भी हाउस में जिसकी मेजोरिटी होगी, बिल वही, बिल के अच्छे और बुरे होने से मतलब नहीं होता है, मेजोरिटी से बात होगी। मेजोरिटी अगर किसी के फेवर में जाएगा तो बिल पास हो जाएगा, मेजोरिटी अगर अगेंस्ट में जाएगा तो बिल नहीं चलेगा। ठीक है, विनोद कुमार वर्मा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और क्लास के लिंक को फटाफट आप शेयर कर लें, क्लास के लिंक को फटाफट शेयर कर लें, और जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर लें, और पेन और नोटबुक हमेशा तैयार रखें और लिखते जाए हर वर्ड्स को। यहाँ क्लियर हो गया कि असेंबली में पास हो गया है और काउंसिल में इसको नहीं लाया जा रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो सकता है कि जिस जिसकी भी सरकार हो कर्नाटका में उसको बहुमत ना हो। अब किसकी सरकार है, मुझे लगता है बीजेपी की सरकार ही है, इसलिए इतनी समस्या है लोग के हिसाब से। While several states have laws that criminalize conversion on the basis of force, कहता है कई स्टेट ऐसे हैं, लेकिन उसको नियम को और कानून को सख्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि नियम कानून होने के बाद भी कन्वर्जन तो हो ही रहा है। तो while several states have laws, कि कई कानून स्टेट के पास लॉज है that criminalize, अपराधीकरण, criminalize क्या है, यहाँ वर्ब हो गया, जो अपराधीकरण करता है, कन्वर्जन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, कि कोई भी जो कन्वर्जन हुआ, धर्मांतरण, कन्वर्जन को क्या कहते हैं, धर्मांतरण, धर्मांतरण की कोई भी धर्मांतरण हुआ, चेंज ऑफ रिलीजन हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, जो बल के आधार पे हुआ है, फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब क्या, चीट करके धोखा देकर किया है, या इंड्यूसमेंट, लालच देकर किया, कोई प्रॉफिट देकर किया है, एल्यूरमेंट, एल्यूरमेंट का मतलब क्या था, लालच, धोखा, इंड्यूसमेंट का भी मतलब था आकर्षण, प्रलोभन, तो आप लालच देकर, प्रलोभन देकर कोई अगर कोई काम करते, इंड्यूस करते किसी को मना कर, मतलब कोएक्स, बहला फुसला कर, इंड्यूसमेंट का मतलब क्या हो गया, कोएक्स, बहला बहला फुसला कर, अगर आप करते हैं इंड्यूसमेंट के साथ कर रहे हैं, कोएक्स करके कर रहे हैं, कोएक्स मतलब क्या, बहला फुसला कर, एल्यूरमेंट लालच देकर, लोभ देकर कर रहे हैं, तो ये जो है गैर कानूनी है। द ट्रेंड हैज बीन टू इंक्लूड मैरिज एज एन इलीगल मीन्स ऑफ कन्वर्जन, कहता है इस चीज में मैरिज को भी शामिल करने की प्रवृत्ति चल रही है, ट्रेंड करेगा मीन्स ऑफ कन्वर्जन की, जो गैर कानूनी, मीन्स का मतलब क्या, साधन, और कन्वर्जन की, कन्वर्जन का ये शादी जो, और ये क्यों ना किया जाए, आजकल लोग मैरिज कर रहे हैं और मैरिज का मेन पर्सन पर कई जगह हो जा रहा है कि बाद में हम इसको क्या करें, इसको धर्म को परिवर्तन कर ले। तो ये अगर मकसद है किसी का कि प्रेम विवाह के नाम पर या विवाह के नाम पर हम किसी इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज करें और उसके बाद सामने वाले का फेथ अपने अपने में चेंज कर लें, तो ये अगर मकसद है तो ये क्या गैर कानूनी नहीं है, क्या इसको इसको कानून के दायरे में नहीं लाया, कि इंटेंशन क्या था, शादी का मकसद क्या था। तो अगर किसी का, और कोर्ट में तो मकसद ही चलता है, किसी भी काम का मकसद, मकसद मोटिव देखा जाता है, तो किसी भी चीज का मोटिव अगर गलत है तो फिर वो तो कानून के दायरे में आना चाहिए। तो सिंपल सा लॉ ही यही कहता है कि अगर किसी का मोटिव देखा जाना चाहिए, मोटिव, किसी की शादी पर्सनल मैटर है लेकिन उस शादी का मोटिव क्या है, समझ में आ रही बात, धर्म किसी का पर्सनल मैटर है लेकिन उस धर्म का अपने आपका मकसद क्या है, मोटिव देखा जाएगा। अगर मोटिव अगर गलत है, मोटिव अगर गैर कानूनी है, मोटिव अगर किसी को नुकसान पहुंचाना है, तो फिर तो वो दायरे में। और ये देखा गया कि पिछले 15-20 साल में कि मैरिज एक मोटिव हो गया है, एक मकसद हो गया है, एक साधन हो गया है कन्वर्जन का, कि पहले लोग शादी करते हैं और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं, ऐसा देखा गया। तो फिर कानून क्यों नहीं बनाया जाएगा, डेमोक्रेसी के नाम पर ये थोड़ी है, या सेक्युलरिज्म के नाम पर ये थोड़ी कि आप कोई कुछ भी करता रहे। और मतलब एक तरह से भारत को एक सॉफ्ट कॉर्नर बना दिया गया है, सॉफ्ट टारगेट बना लिया गया है, कि यहाँ पता है विदेशियों को
या भी दूसरे धर्म के लोगों को कि यहाँ पर हम कुछ भी करेंगे तो कुछ लोग ऐसे हुए जो सेकुलरिज्म के नाम पे खड़े हो जाएंगे और हमारे गलत काम को भी सपोर्ट कर देंगे, और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कर्नाटका हैज नाउ मेड अ प्रॉमिस ऑफ मैरिज, ये बना दिया कि प्रॉमिस ऑफ मैरिज, कि शादी का जो वादा है, अ मींस ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन, कि ये भी क्या हो सकता है कि एक गैर कानूनी धर्मांतरण का साधन हो सकता है। अगर मान लो कोई कहता है कि हम तुमसे शादी करेंगे और धर्म बदल लो, तो ये गलत है ना। अगर कोई आपको कहता है कि अगर तुम हमसे शादी कर लो और हम तुम्हारा अगर धर्म परिवर्तन कर लोगे तो हम तुमसे शादी कर लेंगे, या अगर तुम अपना धर्म परिवर्तन करो तो हम तुमसे शादी कर ले, तो ये तरीके से धर्म इलीगल हुआ ना, कंडीशन रख के इस तरह की बात करना। तो प्रॉमिस ऑफ मैरिज कि शादी का वचन देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराना, ये भी गलत है और होना चाहिए। अब इसको कोई कहेगा कि सारे शादी तो हमारा पर्सनल मैटर है, ठीक है पर्सनल मैटर, लेकिन शादी के पीछे धर्म क्यों ला रहे हैं कि भाई शादी का मकसद ये क्यों ना कि हम धर्म परिवर्तन करवा लें, उसमें कंडीशन ये क्यों लगा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन होना चाहिए। तो इस तरह की बातें इलीगल है और इस पर ध्यान रखना चाहिए। इट इज नीडलेस, अब देखो ये कितना सुंदर फ्रेजेस का मीनिंग लिखना, इसका मीनिंग लिखना ये, इट इज नीडलेस टू से। हिंदी में जैसे कहते हैं कि कहने की कोई बात नहीं, कहने की क्या जरूरत है, कहने की क्या बात है, तो जब हमें यह कहना रहता है हिंदी में, कहने की क्या जरूरत है, कहने की क्या बात है, कहने की तो कोई जरूरत नहीं है, तो इसकी इंग्लिश ये ऐसी नहीं होती, इट इज नो नीड ऑफ सेइंग, देयर इज नो नीड ऑफ सेइंग, व्हाट इज द नीड ऑफ सेइंग, ऐसे अगर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। जब भी आपको कहना होगा लिख लो फटाफट, कहने की क्या जरूरत है, कहने की कोई जरूरत नहीं है, कहने की क्या हो सकता है, कहे बिना ही पता चल जाता है, ये तो कहे बिना ही साफ है। तो जब ये सब कहना हो कि ये तो कहे बिना साफ है, तो इसकी इंग्लिश ऐसे नहीं, इट इज क्लियर विदाउट सेइंग, ऐसा नहीं कहते, क्या कहते हैं, इट इज नीडलेस टू से, क्या कहते हैं, इट इज नीडलेस टू से, कहने की कोई जरूरत नहीं, या नीडलेस टू, सिंपली ये भी लिखते हैं, नीडलेस टू से भी लिख देते हैं। अभी तो पूरा इसने बना रखा है नीडलेस टू से। और एक और होता है इट गोज विदाउट सेइंग, इट गोज विदाउट सेइंग, जिसका मतलब होता है कहने की क्या जरूरत है या कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहे बिना भी पता चल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हिंदी है बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश में लिखना भी एक गलती है। अगर हमें ये कहना है कि कहने की क्या जरूरत है और इंग्लिश में आते व्हाट इज द नीड ऑफ सेइंग, तो ये गलत इंग्लिश है। अगर ऐसा ऐसे में लिख देंगे, कॉम्प्रिहेंशन में लिख देंगे, स्पोकन में बोलेंगे, तो गलत माना जाएगा। या तो आपको कहना होगा नीडलेस टू से, या इट इज नीडलेस टू से, या इट गोज विदाउट सेइंग। It is needless to say that the idea of presuming that a conversion has or is about to take place alongside an interfaith marriage is patently unconstitutional as it interferes with the right to privacy, marital freedom and freedom of belief. देखो अब ये क्या कहना चाह रहा है, धर्म कानून के नाम पर हम धर्म के साथ खिलवाड़ करने का ऐलान नहीं दे सकते। ये जो पैराग्राफ कह रहा है कुछ और के, पैराग्राफ क्या कह रहा है कि that it is needless to say that the idea of presuming, ये मान लेना, presume का मतलब क्या, मान लेना that a conversion, कि एक धर्मांतरण जो है has और is about to take place, कि होने वाला है, कि धर्म परिवर्तन होने वाला है alongside an interfaith marriage, interfaith marriage का मतलब क्या है कि दूसरे धर्म में जाकर कोई शादी कर रहा है तो वहां धर्म परिवर्तन होने वाला है, इसको मान लेना is patently, patently का मतलब क्या था, clearly, patently का मतलब क्या है, clearly, साफ साफ, obviously, patently unconstitutional, कि ये असंवैधानिक है, कि अगर कहीं ठीक है ये मान लेता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कि हम ये मान ले कि अगर interfaith marriage हुआ है, एक धर्म से दूसरे धर्म में marriage हुआ है तो वहां पे conversion होना है, इस बात को अगर हम presume कर ले, मान ले, तो ये पहले से मान लेना unconstitutional है, ठीक है ये मान लेना, लेकिन हम तो रिजल्ट देखेंगे पिछले 10 साल में क्या हुआ है और क्या हो रहा है, ये तो हम देखेंगे। तो अगर धर्म के नाम पर ऐसा बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है शादी के नाम पर, मैरिज के नाम पर, तो फिर हमें उसके हिसाब से नियम, ऐसा तो नहीं कि नियम पहले बना दिया, ये तो पिछले 10 साल के बाद एक्सपीरियंस, हम एक्सपीरियंस के आधार पर बनाते हैं, और इस एक्सपीरियंस को दर कानून के नाम पर दरकिनार कर दे रहा, ये बात नहीं चलेगी। ये ठीक है कि हम अगर कहीं पर इंटरफेथ शादी होता तो हम ये नहीं मान लेंगे कि धर्म परिवर्तन होगा ही, लेकिन पिछले साल 20 साल में क्या हुआ है, पिछले 30 साल में क्या हुआ है, ये हमें देखना पड़ेगा। और कानून इस आधार पे बन रहा है, ऐसा तो नहीं 1948 में कानून बन गया था, कानून 70 इयर्स के बाद बन रहा है, इसका मतलब संविधान ने जो हमें अधिकार दिया उस अधिकार का कुछ लोगों ने दुरुपयोग किया, तो उस दुरुपयोग को देखते हुए हमें संविधान में संशोधन की भी जरूरत पड़ेगी, ये होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार संविधान बना दिया वो ऐसी नियम है कि जो कभी चेंज ही नहीं होगा, हमें 70 साल के एक्सपीरियंस को देखना पड़ेगा कि भाई उस संविधान का क्या फायदा उठा रहा है, कौन नुकसान उठा रहा है और कौन उसे का नाजायज फायदा उठा रहा है। तो जो नाजायज फायदा उठा रहा है उसको रोकने का कदम बनेगा ना, उसके नियम कानून बनेंगे ना, कि ऐसा ही रहेगा भाई, संविधान में अधिकार थी, अधिकार ऐसा है जो कभी हमको उसको छीन ही नहीं सकता,
ऐसा नहीं है। अगर किसी भी अधिकार का कोई गलत इस्तेमाल करेगा तो उस अधिकार पर फिर पाबंदी लगेंगी। एज इट इंटरफेयर्स विद द राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि भाई हमारा प्राइवेसी है तो इसमें दखलंदाजी करता। देखो इंटरफियर का प्रीपोजिशन देखो विथ, ये कई बार आ चुका है। इंटरफियर मतलब होता है दखलंदाजी करना, और इंटरफियर का प्रीपोजिशन होता है विथ। ये एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया हुआ है, सेंटेंस करेक्शन में आया हुआ है। इंटरफियर के साथ इन लगा देगा, दखलंदाजी करना किसी बात में, दखलंदाजी इंटरफियर इन या इनटू, कई बार आ चुका है ये। तो इंटरफियर का जो प्रीपोजिशन होता है वो विथ, फटाफट लिख लो। इंटरफियर का प्रीपोजिशन है विथ, किसी चीज में दखलंदाजी, हिंदी में कहते हैं दखलंदाजी करना, दखलदार किसी चीज में, लेकिन इंग्लिश होता है विथ, इंटरफियर विथ द राइट कि किसी की प्राइवेसी कि हम अपनी गुप्त रखी है कि हमको किससे बात करना है, ठीक है, किससे शादी करना है, गुप्त रखी है, प्राइवेसी है, आपका निजता है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, फिर कैसे निजता? तो प्राइवेसी, मैरिटल फ्रीडम, बिल्कुल आपको आजादी करना है, मैरिटल फ्रीडम का मतलब कि धर्म, आपको शादी की आजादी है, लेकिन शादी की आजादी है इसका मतलब क्या? शादी आप धर्म परिवर्तन करने के लिए करना चाह रहे हैं, इस आजादी का आप गलत फायदा उठाना चाहते हैं। भाई हम तो जिससे मन है उसके शादी करेंगे और हम उसका धर्म परिवर्तन करवाएंगे, क्या इसलिए शादी करना, ये मैरिटल फ्रीडम है। एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ, और फ्रीडम ऑफ बिलीफ क्या कि हमें हमें आजादी, हम जिस बिलीफ को माने, जिस विश्वास को माने, उसकी हमें आजादी है। तो भाई शादी के पहले आपका धर्म कुछ और था, 6 महीने में ऐसा क्या हो जाता है, साल भर में ऐसा क्या होता है कि आपका बिलीफ ऑल ऑफ सडन चेंज हो गया और आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ गया, ऐसा क्या हो जाता है? तो कई पहलू होते हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा। सबकी निजता का अधिकार भी है, और शास्त्र निजता के आधार पर अगर कोई कंस्पिरेसी कर रहा है, निजता के नाम पर अगर कोई कंस्पिरेसी कर रहा है, तो उसको रेवेल करना, उसको एक्सपोज करना भी सरकार का और पुलिस का ही काम है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई यहां तक किसी को प्रॉब्लम? विकास पाल, शैलेंद्र कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? सबको क्लियर है कि क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है? अगर पिछले 10 साल में अगर कोई भी पेपर, कुछ पेपर कहला की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पेपर ये बता दे, एक जियो न्यूज को छोड़कर, जियो न्यूज एक दो मीडिया चैनल ये बात कर रहे हैं, जो ये बता दे कि भाई कितने धर्म परिवर्तन हुए हैं और किस नाम पे और कैसे कैसे हुए, इस पर एक बार रिपोर्ट आ जाएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगी बात, कोई भी खुल के एक बार कर ले। लेकिन ऐसा नहीं करता, क्योंकि मीडिया में कई विदेशी लोगों का पैसा लगा होता है। तो कोई भी अखबार एक बार खुल के सिर्फ ये सर्वे कर लेना कि पिछले 20 साल में क्रिश्चियनिटी ने, इस्लाम ने, या कितने धर्म परिवर्तन करवाए, हिंदुओं ने कितने धर्म परिवर्तन करवाए हैं, और मुसलमानों ने, या क्रिश्चियन ने, मिशनरी ने कितने धर्म परिवर्तन करवाए, एक बार इस पर डाटा निकाल लिया जाए, और क्या क्या के करवाया, किस तरीके से करवाया है, इस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, ये जांच का मुद्दा है। What makes the Karnataka anti-conversion law quite sinister? Sinister का मतलब क्या होता है? Sinister का मतलब होता है बुरा, खराब, जिसका खराब, अमंगलकारी, जिसको कहते अनर्थकारी, जैसे हिंदी में कहते हैं अनर्थकारी, अमंगल का, तो बैड। तो sinister कहने का मतलब बैड या गिविंग बैड रिजल्ट, जिसका बुरा परिणाम हो सकता है, sinister, बहुत खराब, बहुत अमंगलकारी, अनर्थकारी। तो कह रहा है कि जो कर्नाटका का जो एंटी कन्वर्जन, जो धर्म पर धर्मांतरण के खिलाफ जो रूल आ रहा है, वो क्वाइट सिनिस्टर, जो उसको बिल्कुल खराब बना रहा है, बैड, अमंगलकारी बना रहा है, अनर्थकारी हुई, इज दैट वो ये है, इट्स इंट्रोडक्शन इन द लेजिस्लेचर इज रनिंग इन पैरेलल विद अ सीरीज ऑफ टारगेटेड अटैक्स ऑन चर्चे। कि ये जो इंट्रोडक्शन आ रहा है लेजिस्लेचर में, जो आ रहा है, ये साथ साथ किसके साथ साथ आ रहा है कि अभी ढेर सारी टारगेटेड अटैक्स ऑन चर्च, कि चर्च पर ढेर सारा हमला हो रहा है, और चर्च पर जो हमला हो रहा है, अभी आपने एक दो दिन पहले भी सुना होगा, कल परसों भी सुना होगा कि कई जगह चर्च पर हमला होता है। तो ये चर्च पे हमला होना, या मंदिर या मस्जिद, किसी चीज पे हमला होना बिल्कुल गलत है, लेकिन चर्च अगर किसी के साथ, भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो इस पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा चर्च को, हर व्यक्ति को ध्यान दे, कोई भी किसी भी मंदिर मस्जिद किसी भी चीज पर हमला करना बिल्कुल गैर कानूनी है, लेकिन उसके पीछे के कारण को एनालाइज भी करना जरूरी है, कि हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, हमें पुलिस के पास जाना पड़ेगा, हमें कानून लाना पड़ेगा, ताकि इसको हमेशा खत्म किया जाए। तो ये देखा गया है पिछले 25 साल में कि चर्च ने कई तरह से धर्म परिवर्तन करवाए हैं गलत तरीके से। तो हिंसा किसी भी नाम पे जायज नहीं है, लेकिन अगर सरकार कानून ला रही है तो इसको तो स्वागत होना चाहिए ना, कि भाई इस तरह का हिंसा रुके, इस तरह की हिंसा ना हो, तो इसके लिए कानून तो लाना पड़ेगा। तो जो अनलॉफुल, गलत तरीके से लोभ देकर, प्रलोभन के साथ, नौकरी देकर जो हिंदू धर्म का परिवर्तन करवा रहे हैं, गरीबी का फायदा उठाकर, उनके खिलाफ तो सख्त कानून पहले बनना चाहिए। अगर उनके साथ सख्त खिलाफ कानून बन जाएगा तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, फिर किसी मजहब पर हमला होगा ही नहीं, कोई करेगा ही नहीं, किसी के खिलाफ नफरत आएगी नहीं,
अगर नफरत फैलाने की, धार्मिक आजादी के नाम पर कोई नफरत फैलाने का काम करेगा, कोई धर्म परिवर्तन करने का काम करेगा, तो उसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। सिंपल सी बात है, हम उसका अपोज नहीं कर सकते। क्रिश्चियन प्रेयर्स एंड क्रिसमस की, जो क्रिश्चियन प्रेयर्स के समय में अगर कोई कर रहा है उस समय कोई हमला कर रहा है, या क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है जो अभी चल रहा है इस समय अगर कोई हमला कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। हर व्यक्ति को धर्म की मानने की, तो किसी के मजहब में जाके हमला करना, किसी के चर्च पर हमला करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इनके पीछे के कारण भी जाना, क्या कोई बिना मतलब के उठकर चर्च पर हमला कर रहा है? क्या बिना कोई कारण, क्या था मोटिव, क्या था इन्होंने हमला किया तो क्यों हमला किया, कुछ तो बात होगी। इस पर जांच करना भी जरूरी है, चाहे उसका कानून के तरीके से इस पर जांच हो, चाहे वो नियम बन के हो, इसका जांच भी होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि चर्च पे हमला हो गया, निंदा कर देते, कहानी खत्म हो गया, दो चार को अरेस्ट किया, कहानी, ऐसा नहीं। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, ये भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि क्या कारण है, चर्च ऐसी क्या गलती कर रहा है जिसकी वजह से उसको रेस्पेक्ट के बजाय उसको डिसरेस्पेक्ट हो रहा है, ऐसा क्या काम हो रहा है चर्च में, ऐसा चर्च वाले क्या कर रहे हैं, ये ध्यान देना जरूरी है। बेलिंग्रेंट राइट विंग ग्रुप्स, बेलिंग्रेंट का मतलब क्या होता है, फाइटिंग, लड़ाई करने वाला। बेलिंग्रेंट का मतलब क्या है, बेलिंग्रेंट, ये स्पेलिंग करेक्शन में कई बार पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फाइटिंग, क्वरलसम, लड़ाकू, झगड़ालू, लड़ने वाला। राइट विंग, राइट विंग का मतलब होता है हार्ड कोर, सख्त, जिसको आप हार्ड कोर कह सकते हैं या कंजर्वेटिव कह सकते हैं, कट्टर जिसको कहते हैं, कंजर्वेटिव, कट्टर। ग्रुप्स आर आउट इन द फील्ड, ये सब क्या है, मैदान में। आउट इन द फील्ड का मतलब क्या है, मैदान में, आउट इन द फील्ड आर इन मैदान में। With what appears to be an agenda, अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, आजकल के ग्रामर में एजेंडा को सिंगुलर मान लिया गया, जबकि एजेंडा प्लूरल होता है, एजेंडा का सिंगुलर है। ग्रामर में अगर ये एरर में, तो इसको एजेंडम करके आना चाहिए, एन एजेंडम, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, एन, तो एन लिखा है तो ग्रामर कहता है एजेंडम सिंगुलर है और एजेंडा जो है वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो कॉमन एरर में अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आपको एजेंडम करके आना चाहिए, एन एजेंडम, मुद्दा, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे ग्रामर ये कहता कि एजेंडा को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं, तो एन एजेंडा भी लिख सकते हैं और एजेंडा प्लूरल भी हो सकता है, कुछ ग्रामर ये कह सकते हैं। लेकिन ग्रामर के अधिकांश बुकों में ये नॉर्मली लिखा है कि अर्लियर ग्रामर में एजेंडम सिंगुलर होता था और एजेंडा प्लूरल होता था, तो अगर कॉमन एरर में आ जाए तो आप ग्रामर के हिसाब से ही चलेंगे और एजेंडम के साथ एन लगाएंगे, एन एजेंडम सिंगुलर। हालांकि कुछ ग्रामर एजेंडा को सिंगुलर प्लूरल दोनों मानता है, भाई सिंगुलर भी कर सकते हैं प्लूरल, तो उसके हिसाब से ये ठीक है। लेकिन कल को अगर कॉमन एरर में आ जाए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाए, तो एन के साथ एजेंडम बेटर है, सिंगुलर है। एन एजेंडा टू क्रिएट एन इंप्रेशन दैट रिलीजियस कन्वर्सन इज रैम्पेंट, और ये कोई ये जो बात कर रहा है कि ये जो क्या लगा है कि क्रिएट एन इंप्रेशन, कि एक भाव बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, भाव बनाने की जरूरत नहीं है, एस क्रिएट एन इंप्रेशन, एक इंप्रेशन बनाया नहीं जा रहा है कि रिलीजियस कन्वर्जन इज रैम्पेंट, कि ये जो पेपर कह रहा है कि भाई इस तरह का मुद्दा बनाया जा रहा है, एक तरह का हवा, क्रिएट एन इंप्रेशन का मतलब क्या, हवा बनाया जा रहा है, कि एक हवा बनाया जा रहा है कि रिलीजियस कन्वर्जन, कि धार्मिक परिवर्तन जो इज रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब क्या है, वाइडली स्प्रेड, कि बड़े पैमाने पर फैला, ये सच है, इसको मीडिया कवर नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। और अगर मैं तो देख कर आया हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मेरे गांव तक में चर्च खुल गया है, मेरे गांव में की बात मैं कर रहा हूं, चर्च जो यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर है, कैसे भाई, कैसे, क्या मंदिर जो है, क्या मंदिर इंग्लैंड में हर गली में खुला है, यूएस के हर गली में खुला है, भारत के हर गांव गांव में ये चर्च 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 चर का क्या मतलब है। जहां भी गरीबी दिखती है, जहां भी पिछड़ापन दिखता है, ये सेवा के नाम पे पहुंचते हैं और मकसद होता है धर्म। तो सेवा के नाम पे धर्म, आप सिर्फ सेवा कीजिए ना, पता चलता है आप जिसकी सेवा करते हैं 6 महीने के बाद उसका धर्म परिवर्तन हो गया, तो आपका मकसद क्या था, और सेवा करने गए क्यों, तो आप किसने बुलाया था सेवा करने के लिए, और गरीबों की ही सेवा आप ऐसे जगह पे क्यों करते हैं जिसको आप, जो कम पढ़े लिखे हैं उनको आप पढ़ाई लिखा पर तो ध्यान नहीं देते, तो धर्म परिवर्तन पे कैसे ध्यान देते हैं, उनको पढ़ाई लिखा आपने 5 साल पढ़ा लिखा दिया होता, आपने बहुत आप नौकरी दे रहे हैं उसको, आप एजुकेशन के लिए उसके क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ धर्म परिवर्तन करवा दे रहे, ये सोचने की बात है, धर्म परिवर्तन करवा दे रहे हैं, लेकिन आपने उसके विकास के लिए क्या किया, या एक जगह दो जगह क्या करते हैं कि आप कोई भी स्थिति में आप उसको नौकरी दे देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आजकल नौकरी के नाम पर लोग, गरीबी इतनी है कि कोई भी बदल सकता है, बदल जाता है, तो ये दिक्कत हो रही है। तो ये जो कह रहा कि एक इंप्रेशन बनाने का प्रभाव किया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन बहुत व्यापक है, ये इंप्रेशन बनाने का प्रयास नहीं किया जा रहा, ये सच है,
ये जो बहुत रैम्पेंट हो गया है, वाइडली स्प्रेड हो गया कि बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, और चूंकि इसका न्यूज हम नहीं बनाते हैं, जो जितने ये मीडिया वालों की अपनी जिम्मेदारी, एक दो न्यूज वाले को छोड़कर, कि जो इस बात को कवर ही नहीं करते हैं। आप रवीश कुमार को जाके पूछिए, कोई एक दिन भी कवर नहीं करते हैं, एक बार भी कवर करने के अभी तक, एक बार मैं रवीश कुमार को कह रहा हूँ, एक बार वो देखे कि ईसाई मिशनरीज ने पिछले 20 साल में कितने लोग, कितने चर्च बनाए हैं भारत में, और कितने लोगों का धर्म परिवर्तन करवाए, एक बार कहिए रवीश कुमार को करने के लिए। अब मुसलमानों ने कितने धर्म परिवर्तन करा, और हिंदुओं ने कितने करवा रखे हैं, एक बार कहिए रवीश कुमार को कि भाई इस पर भी एक बार चर्चा कर लो, इस पर क्यों चुप बैठे हो, ये भी तो एक मुद्दा है। और ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर आप किसी को लोभ देकर, किसी को धोखे से नौकरी के नाम पे प्रलोभन देकर अगर धर्म परिवर्तन करवाते, तो पूरा धर्म ही खतरे में आ जाएगा, पूरा सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। एक बार कहिए उनको भी रिपोर्टिंग करने के लिए, सबको क्यों रिपोर्ट नहीं करते। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है, बहुत ही सीरियस इशू है। तो इसमें वर्ड लिखा, एजेंडम क्लियर हो गया, कन्वर्जन क्लियर हो गया, रैम्पेंट, कई बार सुनो उसने पूछा है, रैम्पेंट का मतलब होता है वाइडली स्प्रेड, बड़े पैमाने पर फैला हुआ, एंड दैट अर्जेंट लेजिस्लेटिव एक्शन इज नेसेसरी टू स्टॉप द ट्रेंड। और कह रहा कि एकदम अर्जेंट, बहुत आवश्यक लेजिस्लेटिव एक्शन, कानूनी कार्रवाई जरूरी है, इज नेसेसरी टू स्टॉप द ट्रेंड, कि इस ट्रेंड को रोकने के लिए। बिल्कुल सही बात है, ये जो लिखा इस वर्ड से, मैं ये कह रहा क्रिएट एन इंप्रेशन, कि एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो हिंदू लिख रहा है, ये बिल्कुल ये हवा बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है, ये बिल्कुल सच है। और जो भी गांव घर से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बड़े पैमाने पर मिशनरी जो है वो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। ये सिर्फ इंप्रेशन क्रिएट करने की बात नहीं है, ये सच है। या हो सकता है कि हिंदू के जो एडिटोरियल है वो अपने एसी रूम से बाहर निकलते ही ना हो कभी, इसलिए इनको ना पता हो। अगर ये न्यूज़ निकले, अपने न्यूज रूम से बाहर निकले, अपने एडिटोरियल के जो ऑफिस है उनसे बाहर निकले और गांव में जाके दौरा करें, तो इनको पता चलेगा ये क्रिएट एन इंप्रेशन की बात नहीं, ये सच है, रियलिटी है। इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, और नहीं है तो मैं इनको कह रहा हूँ कि आप इन्फॉर्मेशन जमा कीजिए, सलाह दे रहे हैं हम लोग भाई, इन्फॉर्मेशन जमा कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ आप पिछले 20 साल का सर्वे कीजिए, आप हर चीज पर रिपोर्टिंग करते, इस बात पर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक भी आर्टिकल क्यों नहीं छप रहे कि धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, एक बार इस पर भी बात होनी चाहिए, और ये बहुत सीरियस इशू है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एंटी कन्वर्जन लॉज, कि एंटी कन्वर्जन लॉ जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जो धर्म परिवर्तन के खिलाफ जो नियम कानून बनता है, हैव बीन अपहेल्ड। अब देखिए, मैं यही शुरू में मैंने कहा कि कोर्ट ने माना कि ऐसा गलत हो रहा है, तो फिर हम उसको इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट करने वाले कौन होते हैं, हमारा क्या उसमें कुछ लाभ है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि हाँ, पिछले 70 साल का ये एक्सपीरियंस है कि गलत तरीके से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो जो एंटी कन्वर्जन लॉज है, हैव बीन अपहेल्ड। अपहेल्ड का मतलब क्या, उसको माना गया है, वैलिड माना गया। अपहेल्ड का मतलब किसी को सपोर्ट करना कि बिल्कुल सही कर रहा है, सरकार को नियम बनाना चाहिए, धार्मिक आजादी के नाम पर हम कन्वर्जन अलाउड नहीं कर देते हैं। तो कोर्ट ने माना कि अपहेल्ड बाय द कोर्ट्स इन द पास्ट, कि पास्ट में अपहेल्ड किया जा चुका है कोर्ट से, कोर्ट ने माना है कि भाई ये गलत हो रहा है, ऑन द ग्राउंड ऑफ द कन्वर्जन बाय एल्यूरमेंट, कि किसी भी तरह से अगर कन्वर्जन हो रहा है एल्यूरमेंट, एल्यूरमेंट का तो लालच देकर, फोर्स बल पूर्वक, और फ्रॉड पोजेस, कितनी भी धोखा के पोजेस, अ थ्रेट, कि पोज का मतलब क्या, गिव्स या ऑफर्स, अ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, कि जो लोक व्यवस्था है इसके लिए खतरा है, अगर हम धर्म के नाम पर धोखा से, बलपूर्वक या लोभ से धर्म परिवर्तन करते, तो ये पोज अ थ्रेट, ये पोज अ थ्रेट का मतलब क्या है, चुनौती देना, पोज अ थ्रेट का मतलब क्या, चुनौती, ये idiom की तरह यूज, पोज अ थ्रेट मतलब चुनौती देता है, एक चैलेंज देता है टू पब्लिक ऑर्डर, किसको, पब्लिक ऑर्डर यानी जो लोक व्यवस्था है उसको। तो पोज अ थ्रेट टू का मतलब होता है किसी चीज को चुनौती देना, पोज अ थ्रेट टू, किसी चीज को चुनौती देना, पोज अ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, एंड शुड बी कर्व्ड, और कर्व्ड का मतलब क्या, स्टॉप्ड, इसको क्या करने जाना, रोका जाना चाहिए, शुड बी कर्व्ड, कर्व्ड का मतलब स्टॉप्ड, कि इसको रोका जाना, ये कोर्ट ने माना है, और कोर्ट ने डाटा के आधार पर माना है। फिर अगर कर्नाटका कोर्ट अगर कोई नियम, कर्नाटका की असेंबली अगर कोई नियम ला रही है, तो हिंदू की जो एडिटोरियल साहब, इनको क्या दिक्कत हो रही है भाई, क्या तकलीफ हो रही है, क्यों इसको मना करने की कोशिश कर रहे हैं जब कोर्ट ही ऐसा कहता है। हाउएवर, हालांकि, द ओनली थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर सीम्स टू बी अराइज फ्रॉम रैम्पेजिंग ग्रुप्स आउट टू क्रिएट सोशल डिस्कॉर्ड। कह रहे हैं कि अब इसका क्या मतलब कि भाई इससे ज्यादा तो थ्रेट, एकमात्र थ्रेट कहां से आता है, ओनली थ्रेट की एकमात्र थ्रेट क्या आता है, तो पब्लिक ऑर्डर, कि लोग जो व्यवस्था उसको एकमात्र थ्रेट खतरा है, कहां से भाई, सीम्स टू अराइज, ऐसा लगता है जो आएगा, अराइज का मतलब क्या, उत्पन्न होना, कि एक ही जो आ रहा है, क्रिएट हो रहा है, फ्रॉम रैम्पेजिंग ग्रुप्स, रैम्पेजिंग का मतलब क्या, रैम्पेज का मतलब क्या होता है, अव्यवस्था फैलाना, तितर बितर करना, कि जो रैम्पेजिंग ग्रुप्स है,
रैम्पेस फैलाने वाला, मतलब डिसऑर्डर फैलाने वाला। रैम्पेस का मतलब तहस नहस करना, डिस्ट्रॉय करना। तो जो डिस्ट्रॉय करने वाले ग्रुप है, इनका मतलब क्या है कि जो ग्रुप जो है जो जाके चर्च पर अटैक कर लेते हैं, या जो मंदिर पर अटैक कर लेते हैं, जो मस्जिद पर अटैक कर लेते हैं, सिर्फ वही ग्रुप जो एकमात्र खतरा है, उसके अलावा कोई खतरा नहीं है। पेपर ये कह रहा है कि धर्म परिवर्तन करना खतरा नहीं, कि ओनली थ्रेट, however the only threat, पेपर के हिसाब से एकमात्र खतरा क्या है कि ये जो ग्रुप बनाकर जो मंदिर पर जब हमला कर लेते हैं, या मस्जिद पे हमला कर लेते हैं, या चर्च पे हमला कर लेते हैं, बस यही एक खतरा है। इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर को कोई खतरा नहीं। कोर्ट मान रहा है कि धर्म परिवर्तन खतरा है, एडिटर साहब मान रहा है कि नहीं नहीं एकमात्र खतरा कि, ये भी मानता हूं ये भी गलत है, ये बिल्कुल गलत है कि ग्रुप बनाकर आप किसी को जाके टॉर्चर करते हैं, या किसी मंदिर मस्जिद किसी धार्मिक संस्थान पे हमला करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हमला क्यों करते हैं इसके पीछे भी जाना पड़ेगा। ग्रुप्स आउट टू क्रिएट सोशल डिसऑर्डर, कि ये सब ये क्या करता है कि ये जो ग्रुप अगर बाहर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो ये क्या करता है, ये सोशल डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या है, झगड़ा विवाद। डिस्कॉर्ड के दूसरे शब्द में कहते हैं क्वारल, कि ये भी एक विवाद क्रिएट करेगा, इससे भी विवाद हो रहा है। लिख लिया था डिस्कॉर्ड का मतलब भी क्या होता है, झगड़ा या विवाद। डिस्कॉर्ड कई बार जैसे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आपने सुना होगा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, झगड़े का भी मुद्दा। तो जो डिस्कॉर्ड है, जो डिसहार्मनी है, जो विवाद है, उसमें ये कहना चाह रहा है पेपर कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही डिसऑर्डर चल रहा है। वो डिसऑर्डर किसका चल रहा है, लोग ग्रुप बना के अगर किसी चीज पर हमला करते हैं, सिर्फ तभी डिसऑर्डर होता है, तभी डिस्कॉर्ड होता है, तभी सिर्फ झगड़ा होता है। ऐसा नहीं है, हमें अब समय आ गया है कि हमें एक एक चीज को बारीकी से समझना पड़ेगा, हर चीज के पीछे जाना पड़ेगा। सेक्युलरिज्म का मतलब ये कतई नहीं है कि कोई हमारे धर्म में हमारे देश में आकर अपने धर्म के नाम पर या सेक्युलरिज्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को कन्वर्ट करे, ये किसी को अलाउड नहीं है। क्योंकि विदेशी जो मिशनरीज है उनके पास पैसा ज्यादा है, उनके पास पैसा ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा लोगों का फंड आता है, तो वो पैसे के बल पर गिफ्ट देकर धर्म ये हॉस्पिटल वगैरह के नाम पर, सेवा के नाम पर, जॉब के नाम पर बहुत आसानी से धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ये देखा गया पिछले 20 इयर्स में, इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। इट इज ट्रू, ये सच है, दैट सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द राइट टू प्रोपगेट रिलीजन डज नॉट इंक्लूड अ राइट टू कन्वर्ट। देखो है ना, सब बात कर रहा है, लेकिन ये अपनी बात पेश लगाएगा इच्छोड़ी, यानी ये जो भी एडिटर है वो उस तरह के मानसिकता वाले लोग हैं जिनको कि हर धर्म हर मायने पर, यानी सब गलत लग रहा है, बस इतना ही गलत लग रहा है कि भाई कोई किसी पर जाके हमला कैसे कर रहा है, ये सब ठीक है, भाई इसके खिलाफ लिखो ना, साफ साफ लिखो ना, इसका मनसा क्या है एडिटर का, एडिटर का ये मनसा साफ साफ नहीं दिख रहा है कि भाई ये सही हो रहा है, ये दिखाने के भाई सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार को कानून कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सब कह रहा है कि ये गलत है, फिर भी कानून ना बनाओ, ये किस मानसिकता का एडिटर है, ये तो आप समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैंने इस पैराग्राफ को चुना के, देखिए एडिटर सब कुछ कह रहा है लेकिन फिर भी एडिटर का अपना मन ये है कि भाई ना 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 ऐसा नहीं होता, धर्म के परिवर्तन के खिलाफ कोई नियम नहीं बनना चाहिए। ऐसा ऐसा कौन सा सॉफ्ट कॉर्नर है आपके पास क्रिश्चियनिटी के प्रति। इट इज ट्रू दैट सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, हेल्ड का मतलब क्या, मानना, हैज हेल्ड दैट द राइट टू प्रोपगेट, प्रोपगेट का मतलब क्या था, फैलाना, स्प्रेड रिलीजन, की आपको राइट है अपना धर्म फैलाने का, प्रोपगेट करने का, डज नॉट इंक्लूड, इसमें शामिल नहीं है अ राइट टू कन्वर्ट, कि आपको धर्म परिवर्तन करने का अधिकार शामिल नहीं है, आप अपने धर्म का खूब प्रचार प्रसार कीजिए लेकिन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं ये आपको अधिकार नहीं है। एंड दैट द स्टेट कैन फ्रेम, और सरकार फ्रेम लॉज, कानून बना सकती है, तो फिर आपको क्यों दिक्कत हो रहा है, आप कर्नाटक असेंबली को क्यों टारगेट कर रहे हैं, जब कानून ये कहता है, अब किस समय करेगा ये भी तय करेगा, अखबार वालों से पूछ कर तय करेगा, या उसी जिस समय वो कानून बना रहा है उसी समय अगर कहीं पर कोई हमला कर रहा है तो इसका क्या लेना देना, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि कानून बनाओ, जरूरी है कानून बनाना, धर्म परिवर्तन कोई नहीं करवा सकता है, तो इनको क्या दर्द हो रहा है, एडिटर को क्या, कि although, however, इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल करके जो आप सरकार पर डाउट लगा रहे, क्यों, ये वर्ड देखिए, एक वर्ड टेक्निकली होता है, however क्यों लिखेंगे आप, जब कोर्ट कोर्ट कह रहा है तो आपको ये however लिखने का, still लिखने का, yet लिखने का क्या मतलब है, आप कहिए कि हाँ बिल्कुल सही कर रहा है, ये हुई बात, आप सबको दलील दे रहे हैं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, हाई कोर्ट भी कह रहा है, ये धर्म, उसके बाद भी येट, however, क्यों भाई क्यों। And that the state can frame laws, कि कानून बना सकता है to prevent conversion, कि conversion को रोकने के लिए through fraud, force, inducement, कि चाहे धोखाधड़ी से हो, बल से हो, inducement से हो, बहला फुसला, inducement का क्या, बहला फुसला कर, coax करके हो, किसी तरह से हो, तो बहला फुसला कर रहे हैं, बल से कर रहे हैं या धोखे से कर रहे हैं,
इन सब पर कानून बनाने का नियम है। तो पिछले साल ये देखा गया 15-20 साल में कि शादी के नाम पर कई बार धर्म परिवर्तन करवाए गए, तो फिर क्यों नहीं आएगा? तो फिर ये ऑल दो येट स्टिल ये लगाने का क्या मतलब? इस तरह के वर्ड्स यूज करके सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाने का क्या मतलब है कि सरकार का मंशा गलत है या सरकार जब सब कह रहा है? ये सब सोचने की बात, एडिटोरियल को इस लैंग्वेज से देखिए, एक एक वर्ड से क्यों लगा रहे हो भाई, येट स्टिल क्यों लगा रहे हो, हाउएवर क्यों लगा रहे हो, इसका कितना इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम लोग कॉम्प्रिहेंशन को समझ नहीं पाते कि एक एक कनेक्टर। फिर देखो फिर किसका इस्तेमाल किया, इतनी बातें कह रहा है और फिर भी हाउएवर ला रहा है कि हालांकि क्या, हालांकि जब पता है गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ कानून बनने दीजिए, तो फिर हालांकि क्या, हाउएवर इन अ पुशबैक अगेंस्ट यूजिंग दिस लीगल पोजिशन टू इनैक्ट लॉज टू प्रिक्लूड इंटरफेथ मैरिज एंड रेंडर द पार्टीज वल्नरेबल टू प्रोसिक्यूशन। ये कह रहा है कि हालांकि इन अ पुशबैक, पुशबैक का मतलब क्या था, झटका, पुशबैक का मतलब क्या था, झटका या ठोकर, अगेंस्ट यूजिंग दिस लॉ, कि भाई क्या कह रहा है कि ये जो कानून बनेगा, यूजिंग दिस लीगल पोजिशन, कि ये जो कानून की स्थिति बन जाएगी, टू इनैक्ट लॉज, कि कानून को हम इनैक्ट करें, अप्लाई करें, इनैक्ट का मतलब क्या, अप्लाई करें, लागू करें, इनैक्ट प्रदान करें, लॉज टू प्रिक्लूड, प्रिक्लूड का मतलब क्या, रोकना, प्रिक्लूड का मतलब क्या है कि रोकना, इंटरफेथ मैरिज, कि जो एक धर्म से दूसरे से अपने मैरिज होता है इसको रोकना, या इसके विषय में पहले से कुछ धारणा बनाना, प्रिक्लूड का मतलब ये भी हो सकता है किसी चीज के विषय में पहले से धारणा बनाना, तो इंटरफेथ मैरिज को रोकना या इसके विषय में पहले से कोई धारणा बनाना, इसमें जो ये शामिल कर रहे हैं, तो फिर क्यों ना शामिल करें मैरिज को, ये हाउएवर वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैरिज में ऐसा हुआ पिछले 20 साल में देखा गया कि मैरिज में ऐसा हुआ, 25 साल में देखा गया मैरिज के थ्रू ऐसा हो रहा है, मैरिज एंड रेंडर द पार्टीज वल्नरेबल टू प्रोसिक्यूशन, कि कोई अगर इस तरह रेंडर द पार्टीज, पार्टीज कहने का मतलब देखो छुपा रहा है यहाँ, पार्टीज कहने का मतलब यहाँ पे टेक्निकल वर्ड का यूज कर रहा था कि आप समझे ना बात को, पार्टीज का मतलब यहाँ पर हो गया जिसने शादी किया है, जिसने शादी की है, रेंडर द पार्टीज वल्नरेबल, रेंडर वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, ये पिछली क्लास में यूज हुआ था, मेक वीक, वल्नरेबल का मतलब क्या, कमजोर, तो रेंडर वल्नरेबल का मतलब क्या है, वीक बनाना, कमजोर बनाना, रेंडर वल्नरेबल का मतलब क्या, मेक वीक, रेंडर वल्नरेबल कि कमजोर बना देना, कमजोर कर देना, किसके, और इसका प्रीपोजिशन क्या है, टू, कि किसके लिए कमजोर बनाना, किसके लिए आसान बना देना, टू प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, लीगल एक्शन, कि जिसने इस तरह की शादी की है उस पर कानूनी कार्रवाई हो सके, इस बात से दर्द है, क्या कह रही है, हाउएवर क्या लिख रखा है, इस बात से कि जिसने अगर कोई शादी की, जो पार्टीज है यानी जिसने शादी किया, मेल फीमेल जिसने शादी किया है, उन पार्टीज को अगर यह साबित होता या ऐसा लगता है कि इंटरफेथ मैरिज था, तो उन पर कार्रवाई करना, ये जो है उनकी निजता का हनन हो गया, कि शादी करना तो उनकी अपनी मर्जी थी, अपना विश्वास, अपने धर्म को मानना तो उनकी मकसद थी, उनका अपना निजी प्राइवेसी था, स्वतंत्रता था, तो ये बात ये कह रहा कि जो पार्टी अगर किसी ने इस तरह क्या कह रहा कि किसी ने अगर इस मकसद से शादी किया कि धर्म परिवर्तन करवाना है या धर्म परिवर्तन करना मकसद था, तो इस शादी को इलीगल माना जाए और इस तरह की शादी करने वाले को प्रोसिक्यूशन लीगल कार्रवाई का सामना करना पड़े, इस बात से लोगों को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है एडिटर को कि भाई इससे तो क्या होगा, जो शादी, जिस व्यक्ति ने शादी किया उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उसको जेल जाना पड़ेगा, तो बिल्कुल जाना चाहिए, अगर शादी का मकसद आपका यही था कि हम धर्म परिवर्तन करवाएं किसी तरह से, तो जेल जाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होगा ऐसा, तो ये यही कह रहा है कि भाई कि जो पार्टीज हैं उसको क्या करना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, तो गलत करेगा तो करना, शादी कीजिए, आप किसने मना किया, जिससे शादी करना उससे शादी कीजिए, लेकिन दिमाग में ये रख कर कि इसका तो मुझे धर्म परिवर्तन करवाना है, ये तो अलाउड नहीं होगा, आपका मकसद क्या था, शादी करना किसी का राइट है, बिल्कुल है। द गुजरात हाई कोर्ट हैज स्टेट प्रोविजन ऑफ अ स्टेट लॉ दैट मेड कन्वर्जन बाय मैरिज एन ऑफेंस, ये क्या कहता है, गुजरात स्टेट कोर्ट हैज स्टेट, कि उसने स्टेट ऑफ प्रोविजंस ऑफ स्टेट, कि कानून का एक प्रक्रिया था उस पर गुजरात कोर्ट ने अभी स्टे लगा रखा, मना नहीं किया, स्टे यानी रोक रखा है, कि दैट मेड कन्वर्जन बाय मैरिज एन ऑफेंस, कि अगर हम किसी को शादी के द्वारा कन्वर्जन करते हैं तो इस पर इसको इलीगल कर रखा था गुजरात हाई कोर्ट ने, गुजरात सरकार ने, तो कोर्ट ने उस पर अभी स्टे लगा रखा कि अभी हमें इसको पढ़ने दो, उसका पक्ष विपक्ष जो है सब देखने दो, अभी स्टे लगा रखा है। Pointing out, या कहते हो that it placed in jeopardy all marriages. तो court का कुछ और कहना है, कुछ court ये कह रहे कि इससे तो क्या होगा, jeopardy का मतलब क्या, danger, कि इससे हो सकता है कि अगर हम ऐसा नियम बना दें by marriage, अगर धर्म परिवर्तन हो रहा तो दूसरा धर्म भी खतरे, दूसरी चीज भी, दूसरे शादी भी खतरे में आ सकता है, क्योंकि कोई भी ये बात कह देगा फिर कि हमारा धर्म परिवर्तन करवाया गया, तो इसके पक्ष विपक्ष पर देखना पड़ेगा सरकार को या गुजरात ये कोर्ट को कि भाई इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि गुजरात कोर्ट ये कह रही है कि नहीं नहीं कि ये जो इलीगल है, वो कह रहा है कि इससे दूसरे मैरिज खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा ठहरो, थोड़ा सा रुको, देखना पड़ेगा इसके और पक्ष को देखना पड़ेगा। जियो पार्टी का मतलब खतरा, ऑल मैरिजेस ऑफ दोज बिटवीन टू डिफरेंट फेट्स, कि जितनी भी शादी दो डिफरेंट फेट्स, जो अलग अलग फेट, दो दो अलग विचार, दो अलग अलग धार्मिक विश्वास के बीच में शादी हो रही है, वो सारी शादियां क्या हो जाएंगी, खतरे में पड़ जाएंगी, पड़ सकती है। इस पक्ष को देखने के लिए थोड़ा सा कंसिडर कर रही है बात को, ठीक है। रेंडर वल्नरेबल वीकेंड हो टू वीकेंड होता है, नेहा वीक एडजेक्टिव होता है, क्या कह रहे, कुमारी शर्मा हैव विशाल, ओके। अंजुमन अंसारी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। परीक्षा पोर गुड मॉर्निंग। विशाल पटेल सर आप लेटर एडिटर को नहीं लिख सकते हैं क्या? एम के खरे गुड मॉर्निंग, फुल स्क्रीन नहीं है। सतीश कुमार फुल स्क्रीन नहीं है, फुल स्क्रीन तो हो ही जाता है। रेंडर ये क्लियर, रेंडर वल्नरेबल में दिक्कत हो रही है क्या सबको? रेंडर वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है वीक, ठीक है, वीक। वल्नरेबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कमजोर, जिसको आसानी से हमला करता हो। रेंडर वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर बना देना, ठीक है, कमजोर कर देना, ठीक है। रेंडर वल्नरेबल ये idiom की तरह यूज हो सकता है, या वल्नरेबल के साथ हम रेंडर का इस्तेमाल करते हैं बनाना के लिए। रेंडर वल्नरेबल मतलब किसी को कमजोर कर देना, रेंडर का मतलब बनाना या करना हो सकता है। तो रेंडर वल्नरेबल का मतलब है कमजोर कर देना, कमजोर बना देना। और क्योंकि क्योंकि वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, वीक। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, जिस पर आसानी से हमला कर सकते हैं। वल्नरेबल कई बार स्पेलिंग करेक्शन में पूछा गया है और कई बार वन वर्ड ऑप्शन में पूछा गया। तो वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, या जिसको आसानी से हम टारगेट बना सकते, जिस पर आसानी से हमला कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि रिगार्डिंग द प्रायर नोटिस रिक्वायरमेंट इन द कर्नाटका बिल फॉर इंडिविजुअल्स अटेंडिंग टू कन्वर्ट, इट मस्ट बी नोटेड दैट द हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट स्ट्रक डाउन अ सिमिलर प्रोविजन इन 2012, होल्डिंग दैट आस्किंग समवन टू डिस्क्लोज प्लान्स टू चेंज वंस फेथ वायलेट्स द राइट टू कीप वंस रिलीजियस बिलीफ्स प्राइवेट एंड सीक्रेट। अब यहाँ पर देखो क्या बात हुई, कि कहता रिगार्डिंग द प्रायर नोटिस रिक्वायरमेंट इन द कर्नाटका बिल फॉर इंडिविजुअल्स इंटेंडिंग टू कन्वर्ट, ठीक है। ये कह रहा है कि रिगार्डिंग द इससे पहले जो नोटिस आई थी उसमें रिक्वायरमेंट था इन द कर्नाटका बिल, जो कर्नाटका बिल है, फॉर इंडिविजुअल्स इंटेंडिंग टू कन्वर्ट, कि जो भी व्यक्ति कोई इंटेंड कर, इरादा कर, इंटेंड का मतलब इरादा करना चाहना, इंटेंड का मतलब क्या, डिजायर, टू कन्वर्ट, कि जो धर्म को परिवर्तन करना चाह रहा उसको अगर हम नोटिस भेजते हैं, प्रायर नोटिस देते हैं, तो रिक्वायरमेंट इन द कर्नाटका बिल इट मस्ट बी नोटेड, कि यह ध्यान देना चाहिए दैट द हिमाचल प्रदेश कोर्ट स्ट्रक डाउन, स्ट्रक डाउन का मतलब क्या, रिपील, कि हटा दिया, खत्म कर दिया, रिमूव कर दिया, सिमिलर प्रोविजन, ऐसा ही प्रावधान इन 2012। अब पूरी बात को समझो, ये क्या कह रहा है कि रिगार्डिंग द प्रायर नोटिस रिक्वायरमेंट इन द कर्नाटका बिल फॉर इंडिविजुअल्स इंटेंडिंग टू कन्वर्ट, कि अगर हम बात करें कि पहले से नोटिस दिया जाए कि उसकी आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है, कि पहले से नोटिस क्या हो सकता है इन द कर्नाटका बिल फॉर इंडिविजुअल्स, कि ये जो कर्नाटका बिल है ये क्या कह रहा है कि भाई अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना तो पहले से नोटिस दो कि भाई हम धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, हम अपने धर्म को बदलना चाहते हैं, तो ये आप नोटिस दो, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर मुझे अपना धर्म बदलना है मैं शादी के बाद, तो मैं पहले से बता दूं कि मैं धर्म बदलने वाला, तो लोगों को कोई खतरा नहीं रहेगा। शादी के बाद ऑल ऑफ सडन आप धर्म कैसे बदल सकते हैं, अब बदल जाता है, क्या बात होती है ऐसी। तो अगर किसी को अपना धर्म परिवर्तन करना है तो पहले सरकार को बता दे कि हम धर्म परिवर्तन करना है, ताकि सरकार को जो कार्रवाई करना है वो पूछ ले कि भाई मन से हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऑल ऑफ सडन धर्म परिवर्तन हो रहा है। अब इसमें हिमाचल प्रदेश कोर्ट ने क्या कहा उसे समझो, रिगार्डिंग द प्रायर नोटिस रिक्वायरमेंट इन द कर्नाटका बिल फॉर इंडिविजुअल्स इंटेंडिंग टू कन्वर्ट, कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो सरकार को क्या करे, नोटिस करे, पहले से खबर करे। ये कर्नाटका बिल में आया है, कर्नाटका बिल ने ये लिखा, अभी कर्नाटका बिल आया, ये कह रहा है कि भाई किसी व्यक्ति को अगर धर्म परिवर्तन करना है तो चुपके से धर्म परिवर्तन ना कर ले, खास करके शादी के बाद, वो अपना आकर बताए कि हम धर्म परिवर्तन करना है। ये भी एक फैक्ट है, ये होना चाहिए। भले हाईकोर्ट ने अगर इस बात को माना, तो हाईकोर्ट की बात से मैं सहमत नहीं हूँ, हाईकोर्ट को, इस कोर्ट को कई बार ऐसे हाईकोर्ट के डिसीजन आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो वैलिड नहीं होते। तो 2012 में कैसी सरकार थी, किस तरह की सरकार थी, हमें पता है उसमें किस तरह के डिसीजन आ सकते थे। तो अब जो है, अब हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाईकोर्ट ये कह रहा है, कर्नाटक हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कहा, स्ट्रक डाउन और सिमिलर प्रोविजन इन 2012, इसी तरह के प्रावधान को सिमिलर हटा दिया हाईकोर्ट, हिमाचल हाईकोर्ट ने क्या कह के, कि होल्डिंग दैट, उसने क्या कहा हाईकोर्ट ने क्या, कि होल्डिंग दैट आस्किंग समवन टू डिस्क्लोज, कि किसी को अगर हम ये डिस्क्लोज करने के लिए कहते हैं कि प्लान्स टू चेंज वंस फेथ,
कि अगर हम किसी को, अगर किसी को अपना धर्म परिवर्तन का अगर ये बात हम उससे पूछते हैं तो ये वायलेट्स करता है, उल्लंघन करता है राइट टू कीप वंस रिलीजियस बिलीफ्स प्राइवेट एंड सीक्रेट। कि ये संविधान कहता है कि भाई अपने रिलीजियस बिलीफ को, रिलीजियस अपने जो धार्मिक विश्वास है इसको हम निजी रखें और गुप्त रखें। तो अगर ये संविधान किसी को अधिकार देता है कि हम अपने धर्म को निजी रखें और गुप्त रखें, तो हम किसी से ये नहीं पूछ सकते कि तुम धर्म बदलने वाले हो क्या। तो इस बात को आधार बना के हिमाचल कोर्ट ने कहा कि भाई आप किसी से पूछ नहीं करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति का जो धर्म है वो, उसको कौन सा धर्म मानना उसको अपना निजी रख सकता है और गुप्त रख सकता है। तो गुप्त रखने के नाम पर अगर कोई आपको दबाव बनाकर कह रहा है गुप्त रखने के लिए, तो ये गलत है ना। ये ठीक है कि हमें अपने धर्म को जो मानना है वो निजी हक है, हम इसको गुप्त रखें, लेकिन अगर हम अपने धर्म को बदल रहे हैं तो सरकार को, और बड़े पैमाने पर, कल मैं बदल रहा हूँ, परसों वे बदल रहा है, कल वो बदल रहा है, तो सरकार को ये जानने का हक है कि भाई ऐसी क्या सी मजबूरी हो जा रही है कि सबको धर्म बदलना पड़ जा रहा है शादी के बाद। तो संविधान में भी ये नियम होना चाहिए कि भले आपका ये निजी हक है कि आप अपने धर्म को अपने तक सीमित रखें, किसी को बताए ना, राज बना के रखें, लेकिन उस राज के पीछे कोई गुनाह छुपा हो तो, चुप रहने के पीछे कोई गुनाह, तो धर्म, तो हमें संविधान बनाने वाले लोगों को यह पता थोड़ी था कि 70 साल के बाद लोग इस कानून का गलत इस्तेमाल करेंगे और धर्म परिवर्तन में इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो संविधान में भी इस बात को बदलने की जरूरत है कि भाई अगर इस तरह की बात जो है वो अगर होती है तो लोग आसानी से धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो भाई अगर सरकार को ये लगे कि धर्म परिवर्तन कोई करना चाहता तो बता दे, अगर आप एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना चाहते तो आप बता देना चाहिए कि मैं धर्म परिवर्तन करने जा रहा हूँ, मुझे धर्म पढ़ने का आवश्यकता है, ये बता दीजिए। क्या करो, कोर्ट को नोटिस कर दीजिए, आप सरकार को बता दीजिए, सरकार को इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हम धर्म बदलने, सरकार का परमिशन उसमें आवश्यक हो ना हो ये अलग बात है, सरकार आपको परमिट, सरकार देगी परमिशन तब आप धर्म का परिवर्तन, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार को इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए। और धर्म परिवर्तन करना चूंकि व्यक्ति से क्या बड़े पैमाने पर गलत तरीके से हो रहा है, इसलिए अब इसको यहाँ से हटाकर धर्म परिवर्तन जो है वो कम से कम इन्फॉर्मेशन में आना चाहिए सबके, कि भाई अपने माँ बाप को बताना जरूरी है या पुलिस को बताना जरूरी है, होना चाहिए कि हम अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं, हम अपना धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं, बस हो गया, इन्फॉर्म कर दीजिए आप, बस बात इतनी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एंटी कन्वर्जन लॉ शुड टारगेट ओनली फोर्सिबल और फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन। अब कह रहा है कि एंटी कन्वर्जन लॉ जो है, जो धर्मांतरण के खिलाफ जो कानून है, शुड टारगेट ओनली, उसको सिर्फ उसको ध्यान देना चाहिए जो फोर्सिबल यानी जो जबरन करवाया गया है, और फ्रॉडुलेंट जो धोखेबाजी से करवाया गया कन्वर्जन। तो भाई ये पता कैसे चलेगा, इसकी तो जांच होगी ना, ये पता कैसे चलेगा कि फोर्सिबल है फ्रॉडुलेंट है, पता कैसे चलेगा। तो हर चीज पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा। एंड नॉट बी ओपन टू ग्रेव यूज मिस यूज, और ग्रेव का मतलब क्या, गंभीर, सीरियस, इसका गंभीर मिसयूज नहीं होना चाहिए, बड़े पैमाने पर दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो होगा, दुरुपयोग नहीं होगा, अभी दूसरे धर्म के लोग जो मिशनरी वाले हैं उसका दुरुपयोग करके परिवर्तन कर रहे हैं, तो संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, अभी तो कानून का दुरुपयोग हो रहा है, अभी तो संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, संविधान में जो क्लॉज है उसका दुरुपयोग हो रहा है। आप ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे, संविधान ने आपको आजादी दी थी अलग मायने पर और आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो जो मिशनरीज हमारे संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होगा, ये सोचने की बात है। There is no place for provisions that allow family members and associates to complain to the police. कह रहा है कि ये कह रहा है, there is no place कि हम देखो क्या कह रहा है कि there is no place कि कोई जगह ही नहीं है for provisions ऐसे कानून की जिसमें that allow family members जो कि family के जो members हैं और associate जो साथी हैं जो friends हैं to complain to the police को complain करे पुलिस को To interdict का मतलब क्या था? बैन, रोकना, lawful marriages, कि इसका मतलब क्या है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उसके जो मित्र हैं, उसके जो सखे संबंधी हैं, इनको कंप्लेन करने का, यानी किसी को हम अकेले फंसने के लिए दे दें कि किसी ने शादी किया उसका धर्म परिवर्तन, वो जाने अब उसके किस कंडीशन में रह रहा है, वो दुख में रह रहा है, सुख में रह रहा है, मजबूर धर्म परिवर्तन, ये सब, इसमें किसी दोस्त का अधिकार नहीं होना चाहिए, इसमें किसी फैमिली मेंबर का अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो जाके कंप्लेन करे कि भाई हमारा जो रिश्तेदार है, हमारा जो फ्रेंड है, ये बुरी तरह से फंस गया है, इसको कोई चीट कर रहा है, इसको कोई धोखा दे रहा है। तो ये अधिकार तो कम से कम होना चाहिए, उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी। अगर कंप्लेन झूठा होगा तो हम पे कार्रवाई होगी, लेकिन हमें ये राइट तो होना चाहिए, परिवार के लोगों को राइट तो होना चाहिए कि हम जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारा बच्चा है, हमारा बेटा या हमारी बेटी जो है गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कर रहा है, या ये मजबूरी में धर्म परिवर्तन कर रहा है, या हमें इसका संदेह लग रहा है कि ये धर्म परिवर्तन क्यों कर रहा है। ये नहीं कि 20 साल के इंसान का धर्म परिवर्तन करना निजी मामला है तो चुपचाप अपना धर्म परिवर्तन कर ले, और हमें लग रहा है कि मेरे भाई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो हम कंप्लेन तो कर ही सकते हैं,
हम तो डाउट तो रखे, हमारे पास हमारा राइट होना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि घर में लगता है अवसर के उसके बाद पुलिस छानबीन करेगी और लगेगा कि मैंने जबरदस्ती गलत फैमिली में किया तो फिर मेरे खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए या गलत इरादे से केस किया तो अलग बात होनी चाहिए, लेकिन राइट तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या कि इसको कंप्लेन होना ही चाहिए, किसी को यह राइट ही नहीं होना चाहिए कि अपने फ्रेंड अगर कोई मुश्किल में, अगर बहन मुश्किल में, भाई मुश्किल में है, कोई मुश्किल में, तो जाके हम जाके कंप्लेन कर पाए कि भाई ये जो धर्म परिवर्तन हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तो सोसाइटी इनटू अनलॉफुल मैरिजेस, सच लॉज विल प्लंज इनटू का मतलब क्या था, डालना, प्लंज इनटू का मतलब क्या था, प्लंज इनटू, ये फ्रेजल वर्ब है, प्लंज इनटू मतलब डालना, किसी चीज में डाल देना, रखना, पुट रिग्रेसिव मीडियलिज्म, क्या कहता कि ये जो है कि पीछे ले जाने वाला मध्यकालीन बात हो जाएगी। क्यों भाई, फैमिली को कोई अधिकार नहीं अपने बच्चों पर, हमारे दोस्तों को हमारे पर कोई अधिकार नहीं है कि अगर हमें लग रहा है कि हम गलत तरीके से फंस गए तो हमारी कोई मदद नहीं करेगा, हम कानून में जाके नहीं कर सकते हमारे मित्र को प्रॉब्लम हो गया, उसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, वो धर्म परिवर्तन करना नहीं चाह रहा है, ये कौन सी बात होती है। तो ये सबको समझना पड़ेगा, सबको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर है। मोहिनी गुड मॉर्निंग, मोहिनी काफी देर से आए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, प्लंज इनटू का मतलब होता है डुबो देना या डाल देना या पुट। तो सच लॉज विल प्लंज सोसाइटी इनटू रिग्रेसिव मीडियलिज्म, कह रहा कि अगर हम ये नियम कानून दे देंगे, ये अधिकार दे देंगे फैमिली के लोगों को या फ्रेंड्स को कि वो अपने फैमिली के लोगों के लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए जाके पुलिस के पास चले जाए कि हमारे फ्रेंड के जो धर्म परिवर्तन हो रहा है या इन्होंने जो शादी किया है वो मजबूरन किया है, दबाव में किया है, तो ये जो है शादी को जो खतरे में डाल देगा, शादी को, सारे शादी को खतरे में डाल देगा। तो ये मानना हो सकता है थोड़ी समस्या होगी, लेकिन ये राइट होना चाहिए, सारे लोगों के पास होनी चाहिए कि अगर हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम में है, कोई समस्या में है, तो हम उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, तो नॉर्मल राइट है। हमें अगर पड़ोस में लगता है कोई समस्या तो हम कंप्लेन करते हैं, 100 नंबर का डायल करते हैं, तो इसमें क्यों ना डायल करें, इसमें क्यों ना बात करें, इसको कैसे कर सकते, नहीं ये आप किसी दूसरे के विषय में कंप्लेन नहीं कर सकते, उसने शादी की है तो की है, आप कंप्लेन करने वाले कौन होते हैं। तो अगर हम उसके फ्रेंड हैं, अगर हम उसके शुभचिंतक हैं, तो ये हो सकता है, हालांकि नियम कानून यही बनाएगा कि जिसको प्रॉब्लम है वो खुद जाए, जिसको प्रॉब्लम है, तो इसलिए तो कहा था भाई अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहे तो पहले बता दो, तुम बता दो, एक तो रास्ता निकालेंगे, या तो फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर को हम अधिकार दें कि वो भी कंप्लेन कर सके, या जो धर्म परिवर्तन करना चाह रहा अगर वो खुशी खुशी धर्म पर, तो उसको पहले से बता देने में क्या दिक्कत है। अगर हम धर्म परिवर्तन, हम कौन सा गलत काम करने जा रहे हैं, तो अगर हम धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं, धर्म बदलने जा रहे हैं, तो हम पहले से बता दें कि हम धर्म चेंज करने जा रहे हैं, हमारा पहले धर्म कुछ और था, अभी हम धर्म बदलने जा रहे, तो क्या दिक्कत है। हम लीजिए, लोग कोर्ट मैरिज करते हैं, उसमें भी एक महीने पहले कोर्ट को इन्फॉर्म करते हैं कि हम मैरिज करने वाले हैं, शादी करने, उसमें भी एक कोर्ट, फिर कोर्ट को इन्फॉर्म करने की क्या जरूरत है, तुरंत जाके देते, कोई भी भागे जाता है कोर्ट में खड़े हुए मुझे शादी करनी, और कोर्ट शादी कर देता, ऐसा करता है कि जब शादी में कोर्ट खुद ये कहता है कि पहले एक महीने पहले इन्फॉर्मेशन दो, 15 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दो, फिर वो सबको खबर भेजता है कि भाई तो ये शादी से आपको किसी को प्रॉब्लम है, कुछ है क्या, ये तो कोर्ट खुद करती है, कोर्ट क्यों नहीं ये कर लेती है, फिर शादी ऐसे ही कर लो कि भाई जिसको जब मन है खड़े कोर्ट में चले जाओ और आधे घंटे में शादी करके चले जाओ, ऐसा तो नहीं होता है। कोर्ट में मैरिज करने से पहले आपको कोर्ट को इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, ऐसा नहीं तो कोर्ट में जाके कोई खड़े हो गए और जाके शादी कर लो, किसी गवाह की जरूरत नहीं है, उसमें भी कहते हैं गवाह दो, क्यों कहते हैं ऐसा, जब शादी किसी का पर्सनल मैटर है तो कोर्ट क्यों कहता है कि दो गवाह लाओ, 15 दिन पहले बताओ, फिर तो किसी को 18, 20, 21 साल का हुआ वो कोर्ट में जाके खड़े हो जाके कि मुझे शादी करनी है, शादी करवा दे कोर्ट, बिना कुछ पूछे शादी करवा दे, एक पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है कि कोर्ट क्यों पूछती है, कोर्ट क्यों कहती है कि 15 दिन पहले बताओ या एक महीने पहले इन्फॉर्मेशन करो, कोर्ट क्यों कहती है कि दो गारंटर लाओ या एक दो गवाह लाओ, क्यों कहती है कोर्ट, शादी तो किसी का पर्सनल मैटर है, 18-20 साल का हो गया तो संविधान ये कहता है कोई किसी से शादी कर सकता है, तो हमें गवाह की जरूरत है भाई, हम गारंटर क्यों लाएंगे, हमें 15 दिन पहले क्यों बताना पड़ेगा आपको, वहां तो सिर्फ साइन करना है, नाम लिखिए, पता लिखिए और साइन कीजिए, शादी होगी, ऐसा हो जाना चाहिए। तो हर चीज को हमें समझना पड़ेगा, हर चीज को हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अभी 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स के ब्रेक के साथ मैं SSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ, आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैटर था, जस्ट 5 मिनट्स में, जस्ट 5 मिनट्स, अपना अपना ख्याल रखिएगा, 5 मिनट्स।